प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनित गोयल और मैं आपके लिए लेके आऊँ करंट अफेयर्स 15 अक्टूबर 2018 की। 15 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैं आपको दूंगा। जैसा कि आपको पता है, हम आपको एक फोटो दिखाते हैं। यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रहा है महान वैज्ञानिक का, स्टीफन हॉकिंस इनका नाम है। इन्होंने क्या कहा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये क्या कह के गए थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई थी। और जैसा कि आपको पता है, हमने कल पूछा था आपसे बूझो तो जाने का प्रश्न, अली बाबा ऑनलाइन पोर्टल के चेयरमैन कौन है। ये चाइना के हैं, इनका नाम जैक मा है। और इसका आंसर दो लोगों ने सबसे पहले दिया, सुमन कुमार ने और राम कुमार सोलंकी ने। इन दोनों को कांग्रेचुलेशन है हमारी तरफ से। आप भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करा करें। इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे और जो भी सबसे पहले इसका आंसर देगा उनका नाम हम अपनी अगली वीडियो में जरूर डालेंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को तीन डे पढ़ते हैं, व्हाइट कैन डे, हैंड वॉशिंग डे, रूरल वुमेन डे। ये सारे डे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। इसकी क्विक ट्रिक भी मैंने दी हुई है A2Z Careers चैनल में जाके, प्ले लिस्ट में जाके आपको तीन ट्रिक और ऑक्टोपस की एक ट्रिक है, उससे आप ये सारे डे याद कर सकते हैं। आज है व्हाइट कैन सेफ्टी डे। व्हाइट कैन क्या होता है, एक सिंपल टर्म होती है जो ब्लाइंड लोगों को, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को चलाने में सहायक होती है। इसे व्हाइट कैन की एक बेंत बोलते हैं। व्हाइट कैन सेफ्टी डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। दूसरा डे जो मनाया जाता है आज ही के दिन 15 अक्टूबर को, वो मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। पूरे वर्ल्ड में वॉशिंग डे मनाया जाता है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ध्यान रखिएगा, जैसे आपको पता होगा 8 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन मनाया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये तीन डे आप याद कर लीजिएगा, अक्टूबर में मनाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्विज की। पहला क्वेश्चन है आपकी क्विज का, आपने सुना होगा मी टू कैंपेन चल रही है जिसमें हैशटैग लगाकर मी टू लिखा जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। विश्व भर में मी टू मूवमेंट शुरुआत करने वाली अमेरिकी महिला तराना बर्क थी। इन्होंने यौन शोषण पीड़ित की सहायता के लिए किस वर्ष में मी टू कैंपेन की शुरुआत की थी। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने 2006 में शुरुआत की थी। 1997 में इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था 13 वर्ष की एक बालिका का, और उसके बाद इन्होंने 2006 में ये कैंपेन शुरू की थी। तराना बर्क इनका नाम है। 2017 में, पिछले साल ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस ने शुरू की थी, और 2018 में इसका काफी शोर रहा। तनुश्री दत्ता की हैशटैग मी टू के बाद काफी ज्यादा भूचाल आया। 12 से ज्यादा महिलाएं अब तक हैशटैग में एक्टर, एक्ट्रेस, जर्नलिस्ट एलिगेशन लगा चुके हैं कई लोगों पर। तराना बर्क 2006 में, 2017 में हॉलीवुड की एक्ट्रेस एलिसा मिलानो ने हैशटैग मी टू को कौन सी वेबसाइट पर डालकर यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी, और कुछ ही घंटों में 25,000 महिलाओं ने इस हैशटैग को फॉलो किया था और अपने और हैशटैग मी टू लिख के उन्होंने डाला था। और ये कौन सी वेबसाइट पे इनका हैशटैग डालने से तहलका मच गया था पूरे वर्ल्ड में। 2017 की घटना है, ये ट्विटर पर इन्होंने हैशटैग डाला था मी टू। एलिसा मिलानो ये हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और इनके कारण उस और इन्होंने जिस पे एलिगेशन लगाए थे डायरेक्टर पर, उस पर 70 महिलाओं के यौन शोषण का आरोप था, उनको ऑस्कर एकेडमी ने निकाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा राज्य मंत्री, हमारे प्रेजेंट टाइम के जो कपड़ा राज्य मंत्री है वो अजय टमटा है। इन्होंने किस राज्य के रीभोई जिले नोंगपो में एक वस्त्र पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए 7.8 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इसमें टोटल 14 करोड़ खर्चा आया और हमारे कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने 7.8 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। ये वस्त्र पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए देगा। ये कौन सा प्रदेश है, मैं आपको बता दूं, ये मेघालय है। और मेघालय जैसे नाम आता है, मैंने आपको बताया जब भी किसी स्टेट का नाम आए तो आपको दो तीन चीजें हमेशा रिवाइज कर लेनी चाहिए। मेघालय की कैपिटल है शिलांग और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के सीएम है वो है कोनराड कोंकल, सीके संगमा, कोनराड कोंकल संगमा, और तथागत राय यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। तो आपको गवर्नर, सीएम और कैपिटल हमेशा याद होनी चाहिए। जो भी स्टेट आए, मैंने बताया था आपको 29 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरी हैं, उन सब के सीएम, उन सब के गवर्नर आपको मुझबानी याद होने चाहिए और वो एक दिन में याद करना संभव नहीं होता। तो जब भी आप मेरी क्विज देखें तो उसमें एक दो सीएम वगैरह आ जाते हैं, तो उनको आप याद कर लिया करें। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया है, जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो SLRW टेक्निक का इस्तेमाल करें, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। केवल आपके पास जो एक काम बचता है वो राइटिंग का बचता है, क्योंकि मेरी वीडियो देखने से आपका स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग हो जाता है, केवल राइटिंग
यानी कि आप इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस किया करें, आप एक रजिस्टर बना लें और उसमें सारे क्वेश्चन लिख लिया करें। W राइटिंग, एस एल आर डब्ल्यू टेक्निक में W का इस्तेमाल आपको करना है। क्यों करना है? क्योंकि इससे आपकी 200% मेमोरी बढ़ जाएगी। साइकोलॉजिस्ट ने कहा, माइंड पावर जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक रिसर्च किया, उसमें पाया है कि अगर हम किसी चीज को लिख के देखते हैं तो वो डबल तरीके से हमारे माइंड में फिट हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 करोड़ श्रीलंकाई रुपए का अनुदान किस देश ने श्रीलंका के 50 मॉडल गांवों में 1200 घरों के निर्माण के लिए दिए हैं? ये भारत ने दिए हैं श्रीलंका को, और यहाँ पे एक नया नाम है श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। श्रीलंका की जो कैपिटल है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, पहले भी मैं एक बार आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पे तमिलनाडु के नीचे की साइड यहाँ श्रीलंका है, मैप में आपको ये दिखाई दे रहा होगा। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति है वो मैत्रीपला सिरिसेना है, और करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, और श्रीलंकाई रुपया में ये अनुदान भारत ने दिया है घर बनाने के लिए। यूथ ओलंपिक, थर्ड यूथ ओलंपिक चल रहे ब्यूनस एयर्स में, आपको पता ही है, और इसमें भारत अब तक 11 मेडल जीत चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। अभी ये 2-3 दिन और चलेंगे। 2018 में भारत के अकेले रेसलर का नाम बताना है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, आज ही सिल्वर मेडल जीता है ये किसने, आपको ये बताना है। ये महिला है, सिमरन ने जीता 43 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल। और आपको यहाँ पे जो और नाम दिख रहे हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता दूं, मनु बकर ने गोल्ड जीता और एक सिल्वर जीता है, ये दो मेडल जीत चुके हैं मनु बकर। इनके साथ लक्ष्य सेन भी दो मेडल जीत चुके हैं, मिक्स डबल में लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीता और सिंगल बैडमिंटन टाइटल में इन्होंने सिल्वर जीता। और मनु बकर शूटिंग की खिलाड़ी है, गोल्ड और सिल्वर मनु बकर ने, गोल्ड और सिल्वर लक्ष्य सेन ने। इसके अलावा तबाबी देवी है, उन्होंने दो सिल्वर मेडल जीते हैं, वो भी आप याद रखिएगा। और सिमरन ने सिल्वर मेडल जीता है रेसलिंग में, और सौरभ चौधरी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, सौरभ चौधरी भी शूटिंग स्टार है। यूथ ओलंपिक में 2018 की क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले जब गेम शुरू हुए थे, तो भारत की ध्वजवाहक थी मनु भकर, जो शूटिंग की स्टार है मनु भकर, दो मेडल जीत चुकी है गोल्ड और सिल्वर। इस बार जो गोल्ड मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लरिंगुआ ने, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, इनको ये श्रेय दिया जाएगा कि क्लोजिंग सेरेमनी में ये ध्वजवाहक होंगे, फ्लैग बियरर होंगे हमारे भारत की ओर से यूथ ओलंपिक्स 2018 की क्लोजिंग सेरेमनी में। जेरेमी लरिंगुआ, और ये वेट लिफ्टर है जेरेमी लरिंगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने आज ही वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज 3 दिन के अंदर अंदर जीत ली, 2-0 से वेस्ट इंडीज को हरा दिया, इस मैच में किस खिलाड़ी ने 10 विकेट लिए? अगर आपको ध्यान हो पृथ्वी शाह पहली बार आए और ये बैट्समैन है और काफी अच्छा परफॉर्म किया है, सेंचुरी बनाई थी और हाफ सेंचुरी बनाई है, विराट कोहली कैप्टन है, रविंद्र जडेजा ने भी सेंचुरी बनाई थी, और उमेश यादव ने 10 विकेट लिए हैं 6 पहली पारी में और 4 दूसरी पारी में, और 10 विकेट लेने के बाद भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया और 2-0 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। इस कप का नाम है पेटीएम कप। उमेश यादव बॉलर है भारत के, एक फोटो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में दिखाया था, किस वैज्ञानिक ने चेतावनी दी सुपर ह्यूमंस मानवता को खत्म कर देंगे? अभी हाल ही में 6 महीने पहले एक सुपर ह्यूमन का डेवलप किया गया था, उससे बेकार जीन निकाल दिए गए थे, बढ़िया जीन डाल दिए गए थे, तो उनका कहना था जो सुपर ह्यूमन होंगे उनकी माइंड पावर बहुत तेज होगी और उनकी कैपेसिटी तेज होगी, तो जो बाकी लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उनके सामने, और सुपर ह्यूमन इस मानवता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये बात किसने कही थी? यहाँ पे आपको 3 नाम दिख रहे हैं, ये बात कही थी स्टीफन हॉकिंग्स ने, और इनकी मार्च में डेथ हो गई थी 76 साल की उम्र में। और ये थ्योरेटिकल साइंटिस्ट कहलाते हैं, थ्योरी देते थे, बताते थे, इन्होंने ही बताया था कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई और ग्रह जरूर है, कोई और ग्रहवासी भी जरूर है, और इनकी थ्योरी काफी सच बैठती है। स्टीफन हॉकिंग्स नाम था, इनको काफी साल पहले पार्किंसन हो गई थी और ये केवल एक चेयर पर बैठे रहते थे, बल्कि ये बोल भी नहीं पाते थे, कंप्यूटर से लग के इंटेल ने इनको दिया हुआ था, कंप्यूटर से बोलते थे, अपने हाव भाव से बोला करते थे। स्टीफन हॉकिंग्स ने यह सूचना, ये जानकारी दी थी। और आज का भूजो तो जाने का बड़ा ही यूनिक प्रश्न है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। आप ढूंढिए इस प्रश्न को, क्या आप ढूंढ सकते हैं? यहाँ पे हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, इस फोटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। यहाँ पे आपको एक लेडी दिखाई दे रही है और वो एक अपने 2 साल के बच्चे को लेके आई थी। कहां लेके आई थी? पीछे आपको एक क्लू दिख रहा है कि आपको एक मौसम दिख रहा है, बर्फ दिख रहा है, और आपको थोड़ा सा मैंने क्लिप दिया है, आप इसे ढूंढिए और बताइए इनका नाम क्या है, कहां पे है, क्या किया, ये न्यूज में क्यों थी, ये सुर्खियों में क्यों थी, फेसबुक पे क्यों छाई हुई थी, और इनकी वीडियो को 16 लाख बार
16 लाख लोग अब तक देख चुके हैं 10-12 घंटे के अंदर अंदर, इसके बारे में आप बताइए, और जो भी इसका आंसर सबसे पहले देगा हम उसका नाम अगली वीडियो में जरूर डालेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसे अपने व्हाट्सएप के सभी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें। इसकी पीडीएफ भी अब हम आपको देने लगे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन भी दबाएं ताकि आपको मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो रोजाना मिल जाए। और अपने दोस्तों को भी बोले कि ये करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखें। और आपको स्मार्ट ट्रिक मेमोरी टेक्निक से बहुत सारी चीजें प्लेलिस्ट में मिलेंगी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, इवन हमने हिंदी की क्लास भी शुरू की है और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, और अनअकैडमी का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, और अनअकैडमी से जुड़ के आप मेरी नई नई वीडियो भी देख सकते हैं। वहां पे मैंने हिंदी की वीडियो डाल चुका हूं, क्विकर टेक्निक की डाल चुका हूं, तो आप मेरे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हैं। डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, व्हाट एवर यू वांट टू डू, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट जॉब, वेदर इट इज ए प्राइवेट जॉब, वेदर इट इज अ बिजनेस, इन सभी के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।